उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद हैं, जिसमें 4 जनपद नेपाल सीमा से लगे हुए हैं, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। इन जनपदों में नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स हैं, इसमें हम इन जनपदों को कैसे आगे बढ़ा सकें, लोगों के जीवन में कैसे हम व्यापक परिवर्तन ला सकें, इस दृष्टि से इन 3 जनपदों का मैंने निरीक्षण किया है। 1 वर्ष पहले जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है। इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, इसकी हर महीने हम लोग मॉनिटरिंग स्वयं भी करते हैं, देश के उन 8 जनपदों का, वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, किसमें स्वास्थ्य और पोषण का है, शिक्षा का है, कृषि और जल संसाधन का है, स्किल डेवलपमेंट का है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए जो मामले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और भी इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, जिससे जो इनके जीवन में इनके स्वावलंबन को मजबूत कर सकता है, और बुनियादी ढांचागत विकास के दृष्टि से क्या कार्य किए गए हैं, इन्हीं सब को निरीक्षण करने के लिए इन 3 जनपदों का दौरा मैंने लगाया था। बहराइच में हम लोग नए सत्र में मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे, साथ ही 5 ऐसे गांव, आज़ादी के बाद से ही जो वन्य गांव थे, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, उसमें जो गांव राजस्व गांव घोषित हो सकते हैं उनको राजस्व गांव घोषित करेंगे। तो राजस्व गांव घोषित होने में दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों का पुनर्वास करके उनको नए जमीन के पट्टे और उनकी पुनर्वास करके उनकी मकान आदि की व्यवस्था भी हम लोग शासन के स्तर पर करने जा रहे हैं।